वेल हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हालचाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मुख्तारनामा HD ट्रेलर। ठीक है, मुख्तारनामा का HD ट्रेलर। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तारीख की गवाही के मुताबिक सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रम अल हराम को वाकया आशूरा वुकूअ पज़ीर हुआ। घोड़ा इमाम हुसैन और एक गैर बराबर जंग में इमाम मज़लूम और उनके साथी शहीद कर दिए गए। जब तक मुख्तार जिंदा है ये ग्रोह सर पर मंडलाते हुए खतरे की तरह है। सिर्फ मुख्तार की मौत ही उन्हें ठंडा कर सकती है। मुख्तार को मार दो। उठो मुख्तार, जनाब मुस्लिम के दाग ने हमें मजीद जर्री बना दिया। जब तक दुश्मन की कमजोरी और कुव्वत को न पहचान लो तलवार पर हाथ रखना खता है। मैं जीतने की फिक्र करता हूँ, हार की नहीं। मैंने कसम खाई है कि जिस चीज से भी डरूं उसे खत्म कर दूंगा। अगर तस्लीम ना हो तो उसे कत्ल कर दो। तुम और मेरी जान लोगे? हाँ, तुम्हारे जिंदा और मुर्दा पे लानत। कौन सा गधा बोल रहा था कि मार देंगे कत्ल कर देंगे, तो फिर क्या हुआ? कुछ बोलो शिमर, क्या करे? मुख्तार को खुल्लम खुल्ला मारना होगा। अबे चुप कर जा हिलाकर से पैदल। मुख्तार ने अभी तलवार नहीं खींची तो तुम लोगों की जान जा रही है। जब तलवार खींच लेगा तो क्या होगा? सच में मैंने बिल्कुल सोचा नहीं ये वीडियो छोटा होगा, बहुत छोटा ये वीडियो था। एंड मुझे लग रहा है ये ट्रेलर थोड़ा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं। तो दैट्स इट। वो लास्ट वाला जो शॉट था ना, जो मतलब वो घोड़े के ऊपर से जो उन्होंने गर्दन उड़ा दी उसका, बहुत बहुत कहना पड़ेगा बहुत ज़बरदस्त वो शॉट लिया गया है। बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल। एंड इसकी फुल वीडियो होंगी तो मुझे दे देना, मैं देखूँगा पर्सनली। ठीक है। एंड मुख्तार, हज़रत मुख्तार, जो मुख्तार सकफ़ी कहते हैं, मुख्तार सकफ़ी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को चुन चुन के मारा था। स्टार्टिंग से खौफ देखा तुमने, वो पहले ही समझ चुके थे कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो हमने कत्ल कर दिया है। स्टार्टिंग में जो सबसे पहला तुमने देखा वो घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा था। नाम क्या था? ज़ुलज़िना ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे उनका नाम परफेक्टली नहीं पता, उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ। बट मुझे पता है, मैं मतलब एक तरह से लिख सकता हूँ लेकिन बोलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वही दिखाया, बिकॉज जो 10th ऑफ मुहर्रम कहते हैं जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिया गया था, उस दिन के बाद से ये पूरा स्टार्ट हुआ ट्रेलर। ठीक है, अशूरा के दिन जो कहते हैं। तो उसके बाद देन जो मुख्तार सकफ़ी थे, जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल थे, वो समझ चुके थे कि मुख्तार आने वाला है एंड एक तरह से वो बदला लेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि इसको ख़त्म करना बनता है, तो एक तरह से प्लान बना रहे थे। लेकिन लिटरली मुख्तार सकफ़ी थे, उन्होंने चुन चुन के मारना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत बुरी तरह मारा। जो तुमने इसमें एक शॉट देखा था घोड़े के ऊपर से उड़ते हुए, जो उन्होंने मुंडी उड़ा दी, पता नहीं कौन था वो, मुझे अब इस ट्रेलर में चला तो नहीं पता। ठीक है, मेरे हिसाब से जो गले में तीर मारा था हुरमुला ने मारा था मेरे ख्याल से, जो अलीसगढ़ सजादे अलीसगढ़ थे, छोटे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो आई थिंक वो हुरमुला था। यस, हुरमुला था। तो आई थिंक हुरमुला का सर था कि जिसका सर उड़ाया था घोड़े के ऊपर से, प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में। दैट्स इट, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट इतना मुझे पता है कि उन्होंने उसका बदला ले लिया था एंड बहुत बुरी तरह से मारा था। उनके जितने भी उनके कातिल थे, शिम्र थे, हुरमुला थे, इब्ने ज़ियाद थे, उमर, जितने भी लोग थे, सबको बहुत चुन चुन के मारा। उम्र क्या कहते हैं उनका नाम, मुझे पक्का पूरा नहीं पता। ठीक है, तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और चीज़, बहुत रिक्वेस्ट आ रही लोगों से कि इनके जो वेब सीरीज़ आई है इनके ऊपर, मुख्तारनामा की जो सीरीज़ आई है उसके ऊपर रिएक्शन करो। उनके जो पार्ट्स हैं 50-50 मिनट के पार्ट्स हैं, एंड ऊपर से मैं बताऊँ, मैं हाफ पार्ट भी रिएक्शन करूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर से उनके राइट्स है यार, वो फालतू में अगर चैनल में प्रॉब्लम होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी, स्ट्राइक वगैरह पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हाफ मिनट कर सकता हूँ, टाइम निकाल सकता हूँ, मैं जॉब को साइड में रख के मैं निकाल सकता हूँ टाइम, रिएक्शन कर सकता हूँ, लेकिन राइट्स जो क्या कहते हैं वो एक अलग ही चैनल है। मैं बात नहीं हो पा रही उनसे, मैंने मैसेज करा था पर रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने बहुत लोगों से, उनके जो बीच के लोग हैं उनसे ही बात किया, मैंने फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है कि वहाँ तक कि वो मैसेज
पहुंचा सके, बट रिप्लाई नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के है वो, कैसे बात होगी समझ नहीं रहा। अगर उनसे बात हो जाएगी कि वो स्ट्राइक नहीं देंगे, भले वो मेरे रेवेन्यू रख ले, वो मेरे पास जितनी भी निकलेगी, लेकिन मुझे एक तरह से स्ट्राइक नहीं चाहिए उस वीडियो के ऊपर में। दैट्स व्हाई मैं नहीं रिएक्शन कर रहा हूँ अगर फालतू में स्ट्राइक पड़ गया, बिकॉज उनके बहुत सारे एपिसोड्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं 15-15 मिनट की बनाऊंगा तो बहुत एपिसोड बन जाएंगे, 50 तो आराम से पार हो जाएंगे। एंड लिटरली 3 स्ट्राइक चाहिए सिर्फ चैनल को बंद करने के लिए। ठीक है, 3 स्ट्राइक, अगर 3 स्ट्राइक पर गए चैनल खत्म हो जाता है, इसलिए मैं रिएक्शन नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब तुम ही मुझे बताओ क्या करना चाहिए। एक तरह से अगर कोई पहचानता है उनको, क्या नाम है उनके चैनल का, नाम 74U, मुझे परफेक्टली नहीं पता क्या नाम है चैनल का। ठीक है, जहाँ से ये उर्दू में मतलब आता है एपिसोड्स, अगर हो जाएगी बात तो मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं, रिएक्शन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे खुद बहुत मन कर रहा है देखने का, साथ में रिएक्शन करने में। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो क्या बताऊँ मैं यार, मतलब छोटा सा वीडियो था। नहीं पसंद आया तो तुम डिसलाइक कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो, फिर से ही बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।